नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। भारत ने हाल ही में अपने अग्नि 5 का MIRV टेस्ट सफल किया है। एक सफलतापूर्वक ये टेस्ट हुआ है। सभी मानक जो कि रखे गए थे सभी पूरे हुए हैं और भारत अब दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो चुका है जिन पे ये टेक्नोलॉजी है। एक साथ में चल के कई अलग अलग जगहों पर हमला किया जा सकता है। अब ऐसे में बात ये आती है कि चीन का जो जासूसी जहाज है वो अभी भी मालदीव के पास में भारत की जासूसी कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि अग्नि 5 का टेस्ट तो हो चुका है, अब वो क्या देख रहा है। दरअसल भारत 16 मार्च तक एक और टेस्ट करने जा रहा है। ये टेस्ट होगा K4 यानी कि किलर मिसाइल का। K4 मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से चलाया जाएगा, पनडुब्बी से चलाई जाएगी और 3500 किलोमीटर की मार होगी इसकी। 3500 किलोमीटर तक ये टारगेट कर पाएगी। 2000 किलोग्राम, जी हाँ, 2000 किलोग्राम तक का ये परमाणु हथियार लेके उड़ सकेगी और इसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। चीन को यही डर सता रहा है कि भारत अगर ये टेक्नोलॉजी बना लेगा, भारत की ये टेक्नोलॉजी अगर सफल हो जाती है तो चीन के लिए सबसे बड़ी दुर्दशा होने वाली है। इसी चीज़ को देखते हुए चीन ने अपना जो जासूसी जहाज है वो मालदीव में स्थापित किया हुआ है। मालदीव में वो फिलहाल है और अब ये चीन भी जानता है कि जो भारत ने अग्नि 5 का जो टेस्ट किया है, इस मिसाइल को भारत पहले ही जानता है। भारत के लोग पहले भी जानते हैं कि भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है। मेन चीज़ है कि K4 मिसाइल, इस तरह की मिसाइल अभी भारत के पास में नहीं है। DRDO के द्वारा ये बनाई गई है और आने वाली 16 तारीख तक संभावित है कि इसका यहाँ पर टेस्ट होगा और ये टेस्ट ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी भारत की ताकत। इसी के लिए चीन भी पनडुब्बियों पर पूरी सेंध लगाए हुए है, पूरी जासूसी कर रहा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स उसके हर एक कदम पर, इंडियन नेवी हर एक कदम पर नजरें रखी हुई है। जय हिंद, जय भारत।